नमस्कार किसान भाइयों, द कृषि चौपाल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। सरसों की फसल को पाले से बहुत नुकसान होता है। इसके अलावा चना, गेहूं, मटर, आलू इत्यादि सभी फसलों को पाले से नुकसान होता है। सरसों की फलियों में दाने बनने की शुरुआती अवस्था में यदि एक दिन भी पाला पड़ जाए तो सरसों की पूरी फसल बर्बाद हो जाती है। लेकिन आप चिंता न करें, आज इस वीडियो में मैं आपको इसके बारे में पूरी जानकारी बताऊंगा कि किस प्रकार हम पता लगा सकते हैं कि आज पाला पड़ सकता है या नहीं, और यदि पाला पड़ने की संभावना है तो इससे फसलों को बचाने के लिए हमें क्या करना है, क्योंकि पाला पड़ने के बाद यदि हम कोई भी उपाय करेंगे तो उसका कोई फायदा नहीं होगा। इसलिए हमें इसका पहले से ही सही अनुमान लगाकर इससे बचाव के उपाय करने होंगे। तो चलिए किसान भाइयों, आज की जानकारी शुरू करते हैं। इससे पहले आपसे एक विनम्र अनुरोध है कि यदि आपने अभी तक हमारे चैनल द कृषि चौपाल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें और घंटी के निशान को भी दबा लें। यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि पाला पड़ने का अनुमान या पता कैसे लगाएं। शीतकाल में जब तापमान 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे गिर जाता है तथा हवा रुक जाती है तो रात्रि को पाला पड़ने की संभावना रहती है। वैसे साधारणतः पाले का अनुमान दिन के वातावरण से लगाया जा सकता है। सर्दी के दिनों में जिस दिन दोपहर से पहले ठंडी हवाएं चल रही हो एवं हवा का तापमान जमाव बिंदु से नीचे गिर जाए और दोपहर बाद अचानक हवा चलना बंद हो जाए तथा आसमान साफ रहे तो पाला पड़ने की संभावना अधिक रहती है। रात में विशेषकर तीसरे एवं चौथे पहर में पाला पड़ने की संभावनाएं रहती है। साधारणतया तापमान चाहे कितना ही नीचे चला जाए, यदि शीत लहर हवा के रूप में चलती रहे तो कोई नुकसान नहीं होता है, परंतु यदि इसी बीच हवा चलना रुक जाए तथा आसमान साफ हो तो पाला पड़ता है जो फसलों के लिए नुकसानदायक है। तो किसान भाइयों, इस प्रकार हम पता लगा सकते हैं कि पाला पड़ने की संभावना है या नहीं है। तो अब बात करते हैं कि यदि पाला पड़ने की संभावना है तो हमें फसलों को बचाने के लिए क्या उपाय करने चाहिए। जिस रात पाला पड़ने की संभावना हो उस रात 12 से 2 बजे के आसपास खेत की उत्तरी पश्चिमी दिशा से आने वाली ठंडी हवा की दिशा में खेतों के किनारे बोई हुई फसल के आसपास मेड़ों पर रात्रि में कूड़ा कचरा या अन्य घास फूस जलाकर धुआं करना चाहिए ताकि खेत में धुआं हो जाए एवं वातावरण में गर्मी आ जाए। इस विधि से 4 डिग्री सेल्सियस तक तापमान आसानी से बढ़ाया जा सकता है। जब पाला पड़ने की संभावना हो तब खेत में सिंचाई करनी चाहिए। नमी युक्त जमीन में काफी देर तक गर्मी रहती है तथा भूमि का तापक्रम एकदम कम नहीं होता है। इस प्रकार पर्याप्त नमी होने पर शीत लहर व पाले से नुकसान की संभावना कम रहती है। वैज्ञानिकों के अनुसार सर्दी में फसल में सिंचाई करने से 0.5 डिग्री से 2 डिग्री सेल्सियस तक तापमान बढ़ जाता है। इसके अलावा जिन दिनों पाला पड़ने की संभावना हो उन दिनों फसलों पर गंधक के तेजाब के 0.1% घोल का छिड़काव करना चाहिए। इसके लिए 1 लीटर गंधक के तेजाब को 1000 लीटर पानी में घोलकर 1 हेक्टेयर क्षेत्र में छिड़काव करें। ध्यान रखें कि पौधों पर घोल की फुहार अच्छी तरह लगे। इस छिड़काव का असर 2 सप्ताह तक रहता है। यदि इस अवधि के बाद भी शीतलहर व पाले की संभावना बनी रहे तो गंधक के तेजाब के छिड़काव को 15 दिन के अंतराल पर दोहराना चाहिए। तो किसान भाइयों, यदि इस प्रकार आप खेत में धुआं करते हैं, फसलों में सिंचाई करते हैं और गंधक के तेजाब का छिड़काव करते हैं तो निश्चित रूप से फसलों को पाले से बचा सकते हैं। उम्मीद करते हैं किसान भाइयों, आज की जानकारी से आपको फायदा होगा। इसके अलावा यदि आप खेती से जुड़ी कोई भी जानकारी चाहते हैं तो आप अपना सवाल हमें कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर करके अन्य किसानों तक पहुंचाने में हमारी मदद करें। धन्यवाद। जय हिंद।